तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। आज अजमेर एनएसयू द्वारा जिन बच्चों को गलत सब्जेक्ट दे दिए गए उनके विषय पे हमने ज्ञापन दिया है। जैसे कि जो बच्चा उर्दू पढ़ना नहीं जानता उनको उर्दू दे दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस से उसको उर्दू में पटक दिया गया है, हिंदू बच्चा कैसे पढ़ेगा मतलब उर्दू, हमारी ये मांग थी। मुख्य मांग तो यही है। भाषा में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया भाई? जैसे उर्दू पढ़ नहीं पाते बच्चे क्योंकि शुरू से 10th 12th से उनको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाया जाता है। हमारा निवेदन है क्या जबरदस्ती दे दिया? हाँ। तो स्टूडेंट ने क्या भरा था? स्टूडेंट ने 5 ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिया, सेकंड नहीं दिया, थर्ड नहीं दिया, उनको डायरेक्ट पांचवे पटक देते हैं। तो वो कैसे मतलब पढ़ेगा, अपनी स्टडी कैसे करेगा, एग्जाम पास में ही है। कितने बच्चे हैं ऐसे? बहुत बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, कम से कम 300 बच्चे ऐसे हैं। नाम बताइए। अंकित घारू, एनएसयू अजमेर। आज हम अजमेर एनएसयू ने जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने जो एडमिशन फॉर्म भरे थे तो उनको विषयों का सही ज्ञान नहीं था तो उन्होंने गलत विषय भर दिए थे, तो अब वो विद्यार्थियों को समझ पाने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। तो आज हम अजमेर एनएसयू द्वारा प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया कि जो विद्यार्थियों ने गलत विषयों का चयन किया है उन विषयों को जल्दी सही करें और उन्हें जो उनके समझ पाने में विषय समझ पाने में कठिनाई नहीं आती है वो विषय उन्हें दिए जाए। कितने बच्चे हैं ऐसे? 250 से 300 प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है जिनको गलत विषय दे दिए गए हैं। तो ऐसे में आपने कितनी बार शिकायतें दी? हमने 2 बार प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया था शांतिपूर्वक, पर हमारी बात सुनी नहीं गई, इसलिए हम आज हमने बड़ा प्रदर्शन किया और ज्ञापन एक बार पुनः ज्ञापन दिया हमने। आकाश मेघवंशी, राजकीय महाविद्यालय अजमेर।